दोस्तों, क्या आप आपके बाल झड़ने की वजह से परेशान हो? क्या आप धीरे धीरे गंजे हो रहे हो? तो इसका एक बेहतरीन इलाज लेके मैं हाजिर हो चुकी हूँ। ये इलाज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना और साथ ही में चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए सिर्फ नीम के पत्ते। एक्सपर्ट के मुताबिक नीम का पत्ता एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है और हेयर ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है और साथ ही में बाल गिरना भी बहुत तेजी से कम करता है और आपके जितने भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें नीम के पत्तों को अच्छे से धो लेना है और उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसके बाद दोस्तों, एक क्लॉथ की मदद से इस पेस्ट से रस को छान लेना है। इस रस को आप अपने स्कैल्प में फिंगर की मदद से लगा लो और इसको 1 घंटे तक ऐसे ही रहने दो। इसके बाद दोस्तों, लुक वार्म वाटर और शैम्पू की मदद से अपने हेयर को अच्छे से धो लो। अगर दोस्तों आप इस पेस्ट से रस नहीं निकालना चाहते तो इस पेस्ट को भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प में लगा सकते हो। इस रेमेडी को दोस्तों वीक में 3 बार यूज करो, कुछ ही मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, और एक सिंपल सा रेमेडी है, ये रेमेडी भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए मेथी, कलौंजी और कोकोनट ऑयल। दोस्तों, 2 टेबल स्पून कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड और 2 टेबल स्पून मेथी दाना ले लीजिए और मिक्सी में डाल के दोनों का पाउडर बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों, कोकोनट ऑयल को एक कढ़ाई में डाल के और उसी ऑयल में कलौंजी और मेथी का पाउडर को डाल के 4 से 5 मिनट तक पका लीजिए। इसके बाद दोस्तों, तेल जब ठंडा हो जाए तब इसको कांच के बोतल में डाल के 15 दिन तक छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये ऑयल तैयार करने का और एक प्रोसेस है, उसे कोल्ड प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में दोस्तों, ऑयल को गर्म नहीं करना पड़ेगा। आपको कांच के बोतल में कोकोनट ऑयल डाल देना है और उसी ऑयल में मेथी और कलौंजी का सीड डाल के 15 दिन तक आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोगों को हीट किया गया ऑयल सूट नहीं करता। अगर आपको भी सूट नहीं करता तो आप एक कोल्ड प्रोसेस से भी बना सकते हो। दोस्तों, इस ऑयल को वीक में 2 बार यूज करना है। आप अगर कुछ मंथ तक इस ऑयल को इसी तरह यूज करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।